हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुशामदीद और बलिकार है सिंधी रजरे में। अगर आप मेरी आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज मैं आपके साथ लौकी की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने ये आधा किलो लौकी ली है और इसको हम छीलेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, फिर हम इसको श्रेड करेंगे। अब हम इसको छीलना स्टार्ट करते हैं और इस रेसिपी में जो चीजें शामिल होंगी वो मैं स्लो स्लो आपको रेसिपी में शेयर करती जाऊंगी। और ये मैंने लौकी श्रेड कर ली थी, तो अब इसको हम इसमें से पहले इसको इस तरीके से इसमें से ये पानी निकालेंगे। पानी निकालने के बाद हम इसको किसी और कंटेनर में रखेंगे। अब इसमें से हमने पूरा पानी निकाल दिया है और ये मैंने किसी और कंटेनर में रखा है। अब उसके बाद हम एक पैन लेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ली है जो मैंने लौकी श्रेड करके रखी थी, उसमें से मैंने पूरा पानी निकाल दिया है। तो अब हम इस कढ़ाई में जो है लौकी डालेंगे, क्योंकि लौकी में और थोड़ा सा पानी होता है, तो इसमें हम स्लो स्लो फ्लेम में इसमें से जो पानी है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाए। ये हम लौकी को इस तरीके से स्लो स्लो फ्लेम पे चम्मच घुमाते रहेंगे, क्योंकि इसमें से पानी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। एक कढ़ाई ली थी, एक कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध डाला था। दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो उसके बाद हम इसमें 1/2 कप चीनी शामिल करेंगे। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीठा करना हो तो 1/2 कप से ऊपर भी आप इसमें चीनी शामिल कर सकती हैं। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी केसर भी शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद हम चम्मच घुमाएंगे, क्योंकि इसमें से जो चीनी हमने डाली थी वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये लौकी में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। फिर हम स्लो स्लो करके इसमें से इस तरीके से चम्मच घुमाते रहेंगे, क्योंकि जो लौकी है वो दूध में भी अच्छे से पकनी चाहिए। अब हम इसमें चॉप किए हुए बादाम डाल रहे हैं और इसका फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे रखा था, और थोड़ी देर हम इसको और पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब ये लौकी की खीर रेडी हो चुकी है। ये गरम गरम लौकी की खीर रेडी हो चुकी है।